जय बाबा भोलेनाथ। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हिंदू ब्लॉग पर। आज हमने सुबह फिर बाबा भोले की नगरी में जाने के लिए अपना सफ़र शुरू किया है। यहाँ पर हम अपना टोल नाका पार करते हुए हैं, सभी साथीगण सभी भगतगण आराम करते हुए बड़े आनंद उत्साह के साथ इस सुखमय यात्रा का आनंद ले रहे हैं। ये हाईवे है जिस पर गाड़ियाँ बड़ी तेज गति से दौड़ रही है। हमारा कारोबार एक छोटे से ढाबे पर चाय पानी के लिए रुका है। हमने हरिद्वार की पावन सीमा में प्रवेश कर लिया है। सभी भक्त बाबा भोलेनाथ की इस नगरी में प्रवेश पाकर काफ़ी खुश और उत्साह से भरे हुए हैं। ये देखिए आप बीच में हरिद्वार की पावन धरा, पावन भूमि, ये बड़े ही अतुलनीय अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह पर अलग सी शांति ही महसूस होती है। यहाँ पर साफ दिखता है कि हम बाबा भोलेनाथ की नगरी में आ चुके हैं। सुंदर अतुलनीय माँ गंगा जो भागीरथी द्वारा पूरे संसार का उद्धार करने के लिए लाई गई, उसके दर्शन हमने किए। मैं अपने भक्तों के साथ माँ गंगा को साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने सफर को जारी रखता हूँ। मित्रों, बाबा भोलेनाथ की ये जो नगरी है इसको मोक्ष का द्वार भी कहते हैं। यहीं से भागीरथी समर राजा के सभी जो श्राप के वश भटक रहे थे उनको भी यहीं से हरिद्वार की पावन धरा से ही माँ भागीरथी माँ गंगा ने मोक्ष प्रदान किया था। ये देखिए आप हरिद्वार का वही अद्भुत नज़ारा जिसको देखने से कभी भी आँखें तृप्त नहीं होती। यही रहता है कि लगातार इन्हीं नज़ारों को आंखों में समाये रखें, बसाए रखें, देखते रहें। कितने अद्भुत नज़ारे हैं। मैं एक बार फिर से मित्रों भक्तों, मेरा मन रुक नहीं रहा, एक बार फिर से मैं माँ गंगा को हरिद्वार की पावन धरा को बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ। ये माता मनसा देवी का मंदिर भी आपने देखा है। माँ मनसा सबकी इच्छाएँ पूरी करती है। जो सच्चे मन से माँ मनसा के पास जाता है उनको उनकी इच्छाएँ पूरी होती है। ये बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ की विशाल प्रतिमा, ये विशाल प्रतिमा संदेश देती है कि इंसान अगर मजबूत हो तो गर्मी, सर्दी, बारिश, कैसा भी मौसम हो, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। वो अपने पथ पर अटल रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक बार फिर से माँ अति पावनी सबका उद्धार करने वाली माँ गंगा का दर्शन आपने किया। ये देखिए माँ गंगा चारों तरफ से आज हरिद्वार में प्रवेश करती है और प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं का पाप का हरण करके, पाप का समाप्त करके, उनको सद्बुद्धि देते हुए उनका उद्धार करती है। दोस्तों, मैं आपको माँ चंडी के जो मंदिर है उसके दर्शन यहाँ पर नहीं करवा पाया, लेकिन इसी तरह पर माँ चंडी का भी एक पावन स्थान है। ये अब हम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे हर की पैड़ी की तरफ। ये आश्रम आ गए हैं, जयराम आश्रम, बड़े अच्छे अच्छे। अब हमारा कारोबार जयराम आश्रम के पास एक रात्रि विश्राम के लिए, दिन के विश्राम के लिए कोई कमरा बुक करने के लिए रुके हुए हैं। जो दोस्त आज तक हरिद्वार नहीं आए हैं, माँ गंगा का स्पर्श या आशीर्वाद जिन्होंने नहीं लिया है, मैं अपने भक्तों से कहूँगा, मित्रों से कहूँगा कि एक बार ज़रूर अपने परिवार के साथ इस पावन धरा पर, मुक्ति धरा पर आए और मोक्षदायिनी माँ गंगा में स्नान करके बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करें।
जय बाबा।